नमस्कार शिवभक्तों, आज एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं कि आप वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। सुनो 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 सभी लोग, गौर से सुनो। हमारे शिवाजी महाराज छत्रपति होने जा रहे हैं। आयोजित राज्याभिषेक समारोह के लिए सभी को आमंत्रित किया जाता है। सुनो सुनो सुनो। वाह, हमारे महाराज छत्रपति होंगे, इससे ज्यादा खुशी की खबर क्या हो सकती है। हाँ सच है बेटा, जाओ जाकर मिठाई लेकर आओ। जहापना, दक्खन का सेवा शहंशाह होने जा रहा है। क्या क्या बक रहे हो, वो सिवा शहंशाह बनने जा रहा है? नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। बहादुर खान को कहो किसी भी कीमत पर सिवा का राज्याभिषेक रोक दो, जल्द से हुकुम की तामील हो। यहां महाराज का राज्याभिषेक बड़ी धूमधाम और अघटित स्वरूप से संपन्न होता है। जहापना, क्या जहापना, ओ पहाड़ी चूहा, बहादुर खान ने अपना काम कर दिया? नहीं जहापना, सिवा शहंशाह बन गया। ये नहीं हो सकता, शहंशाह हम हैं। क्या है सिवा के पास शहंशाह बनने जैसा? बहादुर खान क्या कर रहा था? उसे राज्याभिषेक रोकने के लिए कहा था ना, उससे जवाब मांगो, जाओ। हुजूर, शहंशाह का खत आया है, पढ़ो। वो सिवा शहंशाह बन गया, तुमने राज्याभिषेक क्यों नहीं रोका? हमारा हुकुम न मानने की तुमने जरूरत कैसे की? बहादुर खान औरंगजेब को जवाब देता है, शहंशाह सलामत रहे। जहां बना, हमने उत्तर दिशा से जो हो सकते थे वो प्रयास किए, लेकिन लगता है खुदा खुद ही चाहता था कि शिवाजी शहंशाह बने। चापना, पर अब जो होना था वो हो गया, लेकिन यहां बहादुर किले पर हमने 1 कोटि की नगद राशि जमा कर रखी है। बस बारिश का मौसम खत्म होते ही आगरा भिजवा देता हूं। कुछ तो सही किया बहादुर ने। तभी ये खबर महाराज तक पहुंच जाती है। महाराज, खबर मिली है, बहादुरगढ़ पर 1 कोटि नगद राशि जमा है और बहादुर खान सभी राशि आगरा भेजने वाला है। ये खबर सुनते ही महाराज सरसेनापति हंबीरराव मोहिते को बुलाते हैं। हंबीरराव, बहादुर किले पर 1 कोटि की नगद राशि जमा है। महाराज, हुकुम दो, अभी लेके आता हूँ। हंबीरराव, बहादुर किले पर 35,000 की फौज है और हमारे पास 9,000। महाराज, आप बिल्कुल चिंता मत करो, जल्द ही खुशखबर लेके आता हूँ। और हंबीरराव ने 9,000 की सेना के साथ एक रणनीति की योजना की। उन्होंने 9,000 की सेना को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक 2,000 का और दूसरा 7,000 का। हंबीरराव खुद 2,000 की सेना लेकर रायगढ़ से पुणे में आ गए। वहां से सांडस पाटस से बहादुरगढ़ के पास कुरकुम में आकर रुक गए। दूसरी तरफ बाकी सरदार 7,000 की फौज के साथ पुणे से उल्टी दिशा में रांजनगांव शिरूर से होते हुए नगर में पहुंच गए और वहां से बहादुरगढ़ की ओर निकल पड़े। मराठे जैसे जैसे बहादुरगढ़ की ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे वे ज्यादा शोर कर रहे थे, हर हर महादेव की घोषणा कर रहे थे, ढोल ताशा बजा रहे थे। ये शोर सुन के बहादुर खान का हेर बहादुर खान के पास आता है। हुजूर हुजूर, दुश्मन दुश्मन। क्या, कौन दुश्मन, क्या बक रहे हो? हाँ हुजूर, मराठों की बड़ी फौज हम पर हमला करने आ गई है। सारी फौज को आदेश दो, हमला करने की तैयारी में रहो। और बहादुर खान अपनी पूरी 35,000 की फौज लेकर रणभूमि में उतरता है।
मराठे तेजी से आगे बढ़ रहे थे। मुगल सेना भी आगे बढ़ रही थी। हमला! तभी अचानक मराठे पीछे मुड़ गए और तेजी से वापस भागने लगे। बहादुर खान अचंभित हो जाता है और गुस्से से कहता है, ये कौन सा तरीका है लड़ाई करने का, पीछा करो। मराठे आगे, मुगल सेना उनके पीछे, लेकिन मराठे बहुत तेजी से भाग रहे थे और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बहुत देर तक पीछा करने के बाद बहादुर खान अपने सेनापति से कहते हैं, रुको रुको, अब नहीं आएंगे वे मराठे। सिर्फ 7,000 की सेना के साथ हम पर हमला करने की वे हिम्मत ही नहीं करेंगे, चलो वापस। और बहादुर खान और उनकी सेना पीछा करना छोड़ देती है और वापस बहादुरगढ़ की ओर निकल पड़ती है। कुछ दूर जाते ही खैर भागते भागते आता है, हुजूर हुजूर वापस आ गए। कौन? मराठे हुजूर। वापस मुड़ो, अब जोरदार हमला करेंगे। दूसरी तरफ मराठे इस बार दुगनी तेजी से आ रहे थे, अब नहीं रुकेंगे ऐसा लग रहा था। दोनों सेनाएं एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। दोनों सेनाएं एक दूसरे पर हमला करने ही वाली थी कि अचानक मराठे वापस मुड़े और तेजी से वापस भागने लगे। बहादुर खान ये देख के जैसे पागल ही हो गया, क्या चल रहा है, भगोड़े मराठे मेरा अपमान कर रहे हैं, ये कौन सा लड़ाई का तरीका है, पीछा करो। फिर से बहादुर खान की सेना मराठों का पीछा करने लगी। देखते ही देखते 50 माइल तक ये पीछा चलता रहा। थक कर बहादुर खान बोला, अब रुक जाओ, भाग गए वे मराठे, चलो वापस। बहादुर खान की सेना वापस चल पड़ी। तभी हेर फिर से दौड़ते दौड़ते हुए बहादुर खान की ओर आता है। हुजूर, मराठे वापस आ गए। क्या? अब कुछ भी होने दो, अब हम पीछे नहीं मुड़ेंगे, जहां तक जाएंगे वहां तक पीछा करेंगे, अब नहीं छोड़ेंगे। फिर से दोनों सेनाएं एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगी। दोनों सेना के सैनिकों की आंखों में ज्वाला जैसा क्रोध और नफरत थी। इस बार घनघोर लड़ाई होने वाली थी। तभी फिर से मराठे वापस मुड़ गए। बहादुर खान की सेना भी तेजी से मराठों का पीछा करने लगी। बहुत घंटे तक ये सिलसिला चल ही रहा था, मराठे आगे और बहादुर पीछे। देखते ही देखते बहादुर खान की सेना शुरू तक आ पहुंची। तभी बहादुर खान का सेनापति बहादुर खान से कहता है, हुजूर हम बहुत दूर आ गए हैं, हमें अब वापस चलना चाहिए। तुम चुप बैठो, मराठों को अब नहीं छोड़ेंगे, पीछा करो। मराठों की सेना पुणे प्रांत में पहुंचते ही फैल जाती है। वे कात्रज खिंड, सासवड, सिंहगढ़ की खिंड के इलाकों में बढ़ जाती है। अब बहादुर खान की सेना के आंखों से मराठे छूट गए। हुजूर, मराठे दिखाई नहीं दे रहे। अरे ऐसे कैसे दिखाई नहीं दे रहे, ढूंढो, चारों तरफ ढूंढो। मुगलों ने मराठों को बहुत ढूंढा, पर उन्हें मराठों की सेना की कानों कान खबर नहीं मिली। बहादुर खान बोला, जीतम जीतम, हम जीत गए, हमने मराठों को हरा दिया, अच्छी खासी जीत हासिल कर ली हमने। इधर कुरकुम में हंबीराव मोहिते को खबर आती है, सेनापति जी, बहादुर खान अपनी 35,000 की सेना समेत उल्टी दिशा से पुणे तक आ पहुंचा है, आपको रास्ता खोला है, चलो। 2,000 की सेना लेके हंबीरराव बहादुरगढ़ पर आ पहुंचे और वहां की 1 कोटि की नगद राशि को घोड़े पर डालकर सारी कीमती वस्तुओं के साथ वापस निकल पड़े और किले को आग के हवाले कर दिया। सभी संपत्ति के साथ 2,000 की सेना सही सलामत पाटस से रायगढ़ तक आ पहुंचती है। दूसरी तरफ बहादुर खान अपनी सेना के साथ बहादुरगढ़ की ओर वापस आ रहा है। किले के नज़दीक आते ही उन्हें बहादुर किले पर धुआं दिखाई देने लगा। ये देखते ही बहादुर खान ने पूछा, क्या है ये? हुजूर सब लेके गए। कौन? मराठे हुजूर। क्या? तो हम किनके पीछे थे? मराठे हुजूर। तो इधर कौन आया था? मराठे हुजूर।
हे खुदा कैसे है ये मराठे। और इसी तरह से हम्मीराव ने चालाकी से और बिना अपना नुकसान किए बहादुर खान को मूर्ख बनाया और महाराज के राज्याभिषेक पर हुआ पूरा खर्चा वापस से भर दिया। आपको हम्मीराव की ये चालाकी जरूर पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को अभी लाइक कर दो और ऐसे ही मराठों के और पराक्रम जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। जय भवानी, जय शिवराय।